हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कैनेडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, मेरे एक बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि नेहा जी, आप विंटर आने वाली है जैसे कैनेडा में, तो आप विंटर के लिए स्पेशली क्या क्या तैयारियाँ करते हो? उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे दूसरी बार पूछा है। सो सॉरी फॉर दैट कि माइंड से स्किप हो जाता है, बट स्पेशली आज मैंने व्लॉग नहीं बनाना था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आई थिंक उन्होंने विनीपेग आना है एंड विंटर में आना है। उनके लिए ये मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं आपको बताती हूँ कि हम विंटर में स्पेशली क्या क्या करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपका और भी होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हाँ जी, देखिए, मुझे तो अब कनाडा में रहते हुए बहुत साल हो गए हैं, मुझे एज सच कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी होती है। बट हाँ, जो लोग कनाडा में आने वाले हैं या स्पेशली विनीपेग में आने वाले हैं, उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, मैं उनको ज़रूर अच्छे से गाइड करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम पूछें कि विनीपेग का टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि -50 तक टेम्परेचर मैंने फील किया हुआ है, एंड दैट इज़ द वर्स्ट कंडीशन। जब आप -50 डिग्री टेम्परेचर में जाते हो तो आपके हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, अगर आप अपने आप को अच्छे से कवर नहीं करोगे। तो देखिए, इसमें भी जैसे दो चीज़ें होती हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो। नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा ये होता है कि वो नॉन वेज खाकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनमें ज़्यादा मतलब ठंड को सहन करने की शक्ति होती है, ये मैक्सिमम मैंने सुना है। जैसे वी आर वेजिटेरियंस, यस, हम एग खा लेते हैं। तो हम जब आए थे, हमने क्या किया था, देखिए, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, एंड जैसे पिन्नियाँ बनाकर रख ली थी मैंने, है ना, एंड गर्म चीज़ें खाते थे, ठंडी चीज़ें नहीं खाते थे हम, और खाना हेल्दी खाते थे ताकि आप बीमार ना हो, क्योंकि ठंड में ठंड लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड जब आपकी फर्स्ट ठंड होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी भी अभी तैयार नहीं हुई होती अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। उस हिसाब से फिर हम अपने आप को अच्छा खाना खाकर अच्छे से कवर कर प्रोटेक्ट रखते हैं। तो देखिए, जब आप यहाँ पे आओगे, इट्स ऑब्वियसली एकदम से आपके पास कार नहीं होगी, तो उसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। हाँ जी, देखिए, हर पर्सन टू पर्सन सब चीज़ें वेरी करेंगी, किसी को ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को कम ठंड लगती है, है ना। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आप जैसे कनाडा में आओगे तो आपके पास एकदम से कार नहीं भी होगी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें करने में टाइम लग जाता है। एंड अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी अपना ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए और फिर कार परचेज कीजिए। ज़रूरी नहीं है मतलब बिल्कुल न्यू ब्रांड कार लेनी है, आप सेकंड हैंड कार भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर हम कपड़ों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले यही होता है, जब आप इंडिया से आ रहे हो, सपोज आप इंडिया से आ रहे हो, क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मैं वही बात ज़्यादा करती हूँ। तो इंडिया में अब तो अच्छे अच्छे जैकेट्स वगैरह आती हैं, बट फिर भी जो यहाँ की जैकेट्स होती हैं वो इतनी थिक भी नहीं होती और उनमें ठंड भी नहीं लगती। तो जैसे मुझे याद है, जब मैं इंडिया में थी तो हमें लेयर अप करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो यहाँ की जैकेट्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं,
फॉर मी राइट नाउ लाइक अगर विंटर है बस मैं अपने नॉर्मल कपड़े डालती हूँ और ऊपर से अपनी जैकेट डाल लेती हूँ, दैट्स इनफ। और वो जैकेट भी इतनी हैवी नहीं होती कि आपके शोल्डर्स पेन होना शुरू कर दें, क्योंकि इंडिया में मुझे याद है जब मैं भारी भरकम कोट वगैरह पहनती थी तो मुझसे काम ही नहीं हो पाता था, बिकॉज आई वॉज अ टीचर ओवर देयर टू। सो जब बोर्ड पे लिखना होता था तो मेरे ना शोल्डर्स में बहुत पेन होता था और मेरी नेक पे भी बहुत पेन होने लगता था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी जैकेट्स मिलती हैं। तो हाँ, फॉर द सेफ्टी पर्पस आप इंडिया से एक दो जैकेट ले आएं, बट यहाँ पर आप अगर आकर खरीदेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होंगी। एंड आपको जब भी बाहर जाना होगा, इवन आप -10 या 12 में भी जा रहे हो, तो आपको अपने आप को अच्छे से कवर करना है। अच्छे से कवर करने मीन्स आपको सॉक्स जो है वो जस्ट नॉर्मल सॉक्स नहीं डालनी, थिक सॉक्स डालनी है, एंड आपको विंटर शूज डालने हैं। इंडिया में तो हम विंटर्स में भी कोई ऐसा नहीं कि स्पेशली विंटर के शूज डालते हैं, है ना, बट यहाँ पर स्पेशली विंटर के शूज आते हैं। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर उन पे लिखा होता है कि ये शूज आप किस टेम्परेचर में पहन सकते हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप -30 35 वाले शूज अगर लेंगे और उसको थिक सॉक्स के साथ पहनेंगे तो आप फाइन होंगे, है ना। और जैसे हमने पैरों से शुरू किया है, ऊपर आइए, अगर आप जैसे पैदल जा रहे हो, है ना, स्टॉप बस स्टॉप पे तो जाएंगे ना आप अपनी बस को पकड़ने के लिए, तो उसके लिए आपके पास स्नो पैंट भी होनी चाहिए, है ना। स्नो पैंट बोल लीजिए या स्की पैंट बोल लीजिए, ये दोनों ही नाम होते हैं। वो पैंट भी इतनी अच्छी होती है कि कितनी भी ठंड हो आपको ठंड फील ही नहीं होती, है ना। वो डालेंगे, एंड आपको ऊपर से तो मैंने बता ही दिया कि आप जैकेट डालेंगे, एंड आपको टूक टूक बोल लीजिए, हैट बोल लीजिए, है ना, वो विंटर वाली डालनी ही डालनी है। और आपको अपने हैंड्स में ग्लव्स ज़रूर से डालने हैं, एंड वो भी आपको लेदर वाले डालने होंगे, क्योंकि जो वुलन होते हैं उनमें फिर भी ठंड लग जाती है, तो जो लेदर वाले होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। एंड आपको नेक वार्मर भी ज़रूर से डालना है, क्योंकि जो नेक वाला एरिया होता है वो भी बहुत ठंड फील करता है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको नेक वार्मर नहीं डालना तो आप मफलर भी ले सकते हैं, है ना, अपने आप को अच्छे से राउंड करके मफलर डाल लीजिए, कवर कर लीजिए, तो आप उसमें भी सेफ रहेंगे। सो ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। एंड हाँ, देखिए जैसे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जब मैं यहाँ पर आई थी इवन -20 टेम्परेचर -15 टेम्परेचर में भी मेरा जैसे ये वाला फेस का पार्ट तो ओपन ही होता है ना, हम जैसे अपने आप को फुली कवर कर लेते हैं, तो मेरे बॉडी पे रैशेस पड़ जाते थे, लाल लाल से, है ना, स्किन इची हो जाती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर मैं अपने आप को पूरा अच्छे से कवर करके रखती हूँ, अपनी नोज तक जस्ट आईज आईज दिखती हैं ताकि हम अच्छे से चल पाए, अदर देन दैट अपने आप को फुल्ली कवर करके रखती थी, नहीं तो फिर मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो वो आपको अगर पहले से पता है, देखिए इंडिया में ऐसे मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, बट यहाँ की जो ठंड होती है वो बहुत ड्राई होती है, मतलब आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा खुश्क बना देती है, ड्राई बना देती है, उस ड्राइनेस की वजह से आपको इचीनेस होनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी मीन्स आपके हाथों पे स्पेशली कट पड़ने शुरू हो जाते हैं। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बार बार क्रीम लगानी है, आप जितनी बार भी बाहर निकलेंगे आपको क्रीम लगानी है। आप अगर अपने वर्क स्टेशन पे भी होंगे, आपको पानी से हाथ तो धोने पड़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों का ऑप्शन टैप्स में होता है, इस साइड करेंगे तो हॉट, इस साइड करेंगे तो नॉर्मल वाटर आता है, तो हाथ वॉश करने की दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज, अगर हम इतनी ज्यादा बार गर्म पानी यूज करते हैं तो हमारे हाथ और ड्राई होते हैं, सोप के साथ और ड्राई होते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि अपने आप को आप अच्छे से क्रीम लगाकर
हैंड क्रीम्स आती हैं उससे प्रोटेक्ट करके रखिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। एंड आपके जो पैर होते हैं वहाँ पर भी अपनी इवन फुल बॉडी पे क्रीम लगाइए, अपने फेस पे लगाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो देखिए जब कट पड़ने शुरू होते हैं तो आप अपने नॉर्मल काम भी करते हो तो बहुत दर्द होता है, आपकी जो हील्स होती हैं एड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए क्योंकि यहाँ पर ठंडी जो होती है विंटर होती है मैक्सिमम टाइम तक रहती है, तो उस दौरान पे पानी का इनटेक कम हो जाता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। एंड हाँ, जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा ठंड फील हो रही है, आपको काफी टाइम बस का वेट करना पड़ रहा है, बस नहीं आ रही, तो प्लीज ठंड में ज्यादा देर मत रुकिए क्योंकि आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है ना वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है एंड वो पार्ट आपका डेड हो जाता है। मैं डराना नहीं चाहती, होते हैं कई इंसिडेंट्स, जैसे देखिए इंडिया में मैंने कभी सॉक्स भी नहीं पहनी थी विंटर में, तो मैं वो लड़की थी, बट मैं जब यहाँ पर आई मुझे बताया गया कि नहीं नेहा, तुम्हें पहननी पड़ेंगी, तुम्हें ग्लव्स भी पहनने पड़ेंगे बिकॉज इन इंडिया मैंने कभी भी ग्लव्स नहीं पहने थे, है ना। तो इंडिया की ठंडी आप सोच लीजिए कैसी होती है और यहाँ की कितनी ज्यादा मतलब बुरी होती है ना। मैं डरा नहीं रही, बस आपको सचेत कर रही हूँ। तो फिर क्या होता है कि मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है, एक बार मेरी गाड़ी ना बर्फ में फंस गई थी, ऑन दैट टाइम टेम्परेचर वॉज -30, तो मुझे ये था मैंने ना ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, मतलब मैं हर को स्कूल छोड़ने जा रही थी जल्दी जल्दी में, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, तो मेरी गाड़ी फंसी जब बर्फ में, तो मेरे पास ग्लव्स नहीं थे। अच्छा, मैं बर्फ को टायर के नीचे से हटा रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 10 मिनट ही हाथों से ऐसे ऐसे किया होगा, मेरे को ठंड तो लग रही थी, मैं बार बार ऐसे कर लेती थी, मैं फिर बर्फ हटाती थी, उसके बाद मेरे हैंड हो गए फ्रीज। मैं डर गई, मैंने अपने हाथ रगड़े, इतना वो किया, मेरे फ्रोजन पाइप्स हो गए, मतलब खून जमना शुरू हो जाता है ना, तो इतनी प्रॉब्लम आई मुझे, मैं डर गई, तो मैंने अपने कानों को हाथ लगाया कि मैंने आगे से ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो फिर मतलब जो भी आपको, अब जब कनाडा आएंगे तो बहुत से लोग आपकी हेल्प करेंगे, काम पे भी करेंगे, आपको बताएंगे कि अच्छा आपकी फर्स्ट विंटर है, मुझे भी बताया गया था कि नेहा ऐसे करना ऐसे मत करना, तो मैं वो चीज़ें सुनती थी, हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता था कि मैंने नहीं सुना था मेरे साथ ये हो गया था, है ना। तो ठंड में कभी भी हेड वॉश करके बाहर मत जाइएगा, आपके जो हेयर है ना वो फ्रीज हो जाएंगे, उन बर्फ जम जाएगी उन पे, और मतलब हार्मफुल होगा आपकी बॉडी के लिए, आपके हेयर के लिए, तो ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं। एंड जो बोलते हैं ना कि पानी हवा में उछालो इस टेम्परेचर में तो वो बर्फ बन के निकलता है, दैट इज ट्रू। और हाँ, बच्चों के लिए क्या ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, बट दैट्स फाइन, मैं अभी भी आपको बता देती हूँ जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। तो जैसे देखिए बच्चे जब बाहर जाते हैं गाड़ियों को टच करते जाते हैं, है ना, आदत होती है बच्चों की, जो फेंस होती है उसको टच कर लिया, जैसे पार्क्स में फेंस होती हैं, तो आपको याद होगा जैसे अगर हम फ्रिज में फ्रीजर में हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ चिपकने लग जाता है ना, तो ऐसा यहाँ के नॉर्मल मतलब ठंड में होता है, विनीपैग की -30 वाले टेम्परेचर में अगर आप गाड़ियों को हाथ लगाते चलोगे, और बच्चों की स्किन तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो बच्चों के हैंड साथ चिपक जाते हैं, है ना, फिर आप सोच नहीं सकते, स्किन भी साथ उतर के आती है, ब्लड आता है, बुरे हाल हो जाते हैं, तो बच्चों का खास ध्यान रखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को आदत होती है हर चीज़ मुंह में डालने की, है ना, बच्चे क्या करते हैं लिक करना शुरू कर देते हैं, जैसे चलते चलते जीभ लगा ली कार के साथ या फेंस के साथ, तो वो बहुत डेंजरस होती है, आपकी बच्चे की स्किन जो टंग होती है उसको हार्म पहुंचेगा। और हाँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने हस्बैंड का, जैसे हमारी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी थी, ऑन दैट टाइम वी वर इन अपार्टमेंट, है ना, तो इन्होंने जैसे उस गाड़ी में ना चम्मच पड़ा था एंड ये अपना खाने का कुछ सामान लेकर गए, गाड़ी को स्टार्ट किया और सोचा चलो मैं भूख लग रही है खा लेता हूँ, है ना। स्टार्टिंग में जब हम आते हैं ना, हम इतने बिजी होते हैं कि हमें आराम से बैठकर खाने का टाइम नहीं मिलता, दैट इज रियलिटी, तो गाड़ी में खा लिया, बस में खा लिया, हम ऐसे ही करते थे। इन्होंने सोचा कि ओ स्पून लाना मैं भूल गया, स्पून गाड़ी में रखी है, चलो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ,
क्योंकि बैक डे ये अपना लंच भूल गए थे उसमें, मतलब अपना स्पून वगैरह सारा कुछ। तो इन्होंने क्या किया, स्पून निकाली और दाल निकाल के खाने लगे। इनके जो स्पून था वो ना फ्रीज हुआ हुआ था, नहीं था माइंड में, नहीं पता होता जब फर्स्ट टाइम ये चीज़ें होती हैं। तो इनकी जीभ पे वो स्पून चिपक गया। अब ना वो निकले, वो इतना बुरी तरह से चिपक गया कि जब अब डर तो गए, पानी पिया, बहुत कुछ किया, थोड़ा सा गर्म कुछ खाया, दाल हालांकि गर्म थी, तो फिर भी इनकी जीभ से थोड़ी सी स्किन उतरी, ब्लड आया क्योंकि वो फ्रीज हो चुका था। तो कभी भी ना ऐसी कोई चीज़ ना ट्राई करे जो ओवरनाइट गाड़ी में रह गई हो, खाने पीने की चीज़ें। पानी तो फ्रीज हो ही जाता है, वो तो आप ऑब्वियस पी ही नहीं पाओगे, बट स्पून वगैरह या कोई डिश वगैरह ये चीज़ें हमें नहीं पता होती स्टार्टिंग में, है ना। तो और भी बहुत से एक्सपीरियंस लोगों के होते हैं कि हमने ये कर लिया था, हमने वो कर लिया था, हमने चाकू पकड़ लिया था, जैसे नाइफ्स वगैरह हम रख लेते हैं कि एप्पल काट के खा लेंगे या जो कुछ भी कट करने के लिए, तो फिर वो फ्रीज हुए होते हैं या आप टच कर लेते हो। तो हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ माइंड में रखिए, जो मैंने भी रखी थी, जब मैं विनीपैग आ रही थी मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी। सडनली से हमारा सब कुछ था कि हमें मुझे जाना है, तो है ना, आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर कि ठंड इतनी गंदी होती है। तो बस मैंने एक चीज सोच के रखी थी, सुनते थे सबसे कि विनीपैग में बहुत गंदी ठंड पड़ती है, पूरे कनाडा में विनीपैग में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। तो बस मुझे ये था कि जैसे बाकी लोग सरवाइव करते हैं हम भी सरवाइव कर लेंगे। पॉजिटिविटी रखिएगा, अगर आप पॉजिटिविटी रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बाकी गाइड करने के लिए बहुत से लोग होते हैं, एंड आप मेरे को भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। सो इससे आपको और भी हेल्प हो जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जितनी नॉलेज हो, जो भी नया आने वाला है मैं उनको बताऊँ। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कुछ, कोई चीज़ कहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि जब हम नए नए आते हैं तो हमें चीप एंड बेस्ट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम कहाँ से वो चीज़ें खरीद सकते हैं, चाहे वो विंटर का स्टफ़ हो, चाहे किसी भी चीज़ का स्टफ़ हो, चाहे कपड़े हो, चाहे बेडिंग्स हो, कुछ भी हो, है ना। मैं आपको पक्का पक्का बताऊंगी। आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी फ्रेंड है ना आपके पास, आपकी दी है ना आपके पास। तो चलिए जी, आई होप मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया होगा, बट अगर अभी भी और क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट करके पूछेगा। एंड हाँ, घरों के अंदर हीटर होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर के अंदर जैसे भी आप चाहे हाफ स्लीव के कपड़े भी डाल के घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बाकी वही है, ठंड थोड़ी बहुत लगी तो हल्का फुल्का जैकेट या स्वेटर डाल लिया। तो चलिए जी, मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।